वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स और एसएससी एंड ग्रुप डी एस्पिरेंट। आज हम लोग अपना सेशन नंबर 17 डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होगा क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी पर साइंस के क्वेश्चन में। यह सुबह 10 बजे आपको क्लास दिए जाते हैं जो एवरीडे आपको मिलता है, संडे को छोड़ करके यह सेशन नंबर 17 है। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें हर एक दिन नया मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ नया करने का। क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ चलते हैं। अमीटर से क्या मापा जाता है, आंसर कीजिएगा आप लोग। अमीटर से क्या मापा जाता है, ऊर्जा को, वेग को, वायु एवं गैस के भार को और विद्युत धारा की तीव्रता को। अमीटर एक यंत्र है और इस यंत्र से क्या मापा जाता है, ऊर्जा, वेग, वायु एवं गैस का भार, विद्युत धारा की तीव्रता। टाइम अप होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अमीटर से हम लोग विद्युत धारा की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की चाल, ध्वनि का विस्तार और निम्नलिखित में से कोई नहीं। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की चाल, ध्वनि का विस्तार, निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इससे हम लोग ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरोमीटर से क्या मापा जाता है, एरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु का भार, गैस का भार, वायु एवं गैस का भार और घनत्व और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा एरोमीटर से क्या मापा जाता है, एरोमीटर एक यंत्र है, उससे वायु का भार मापा जाता है या गैस का भार मापा जाता है या वायु एवं गैस के भार के साथ साथ उसका घनत्व भी मापा जाता है। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इससे हम लोग वायु एवं गैस के भार के साथ साथ उसका घनत्व भी मापते हैं जो कि एरोमीटर के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सेलेरोमीटर जो है उससे क्या मापा जाता है, एक्सेलेरोमीटर से हम लोग गतिमान वाहन की गति में वृद्धि को मापते हैं, वाहनों की फ्यूल को मापते हैं, वाहनों के दाब को मापते हैं और निम्नलिखित में से कोई नहीं। एक्सेलेरोमीटर से क्या मापा जाता है, टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। जो भी गतिमान वाहन होती है उसकी गति में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग एक्सेलेरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रासायनिक उद्योगों में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है, बहुत से रासायनिक उद्योग होते हैं जिसमें हम लोग तेजाब का उपयोग करते हैं और उद्योग वाले तेजाब का उपयोग करते हैं, वो तेजाब जो है वो उस रासायनिक उद्योग में किस नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, बेंजोइक अम्ल से, बेकिंग सोडा के नाम से, निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, एलसीएम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीला थोथा क्या है, नीला थोथा क्या है, क्या यह कॉपर है, एल्युमिनियम है, लोहा है या कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर सल्फेट और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आप लाइव चैट में एकदम बिल्कुल भाग लिया कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपसे दूसरों का प्रिपरेशन कितना जो है वो अच्छा है और आपका प्रिपरेशन कहाँ है। ठीक है, अगर आप इसको सही कर लेते हैं तो आप कंफर्म रहिए, आपका रिजल्ट कहीं नहीं रुकेगा। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नीला थोथा जो है वो कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डी जो है उसको जोड़ने के लिए कौन से क्षारक का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स, निम्नलिखित में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए क्षारक के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है, ईस्ट और मशरूम क्या है, जीव है और ये ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है, क्या यह फफूंदी है, कवक है, सवाल है और निम्नलिखित में से कोई नहीं। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है, बिल्कुल टाइम ऑफ होता है आपका और राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ये फफूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक क्या है, कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक क्या है, माइक्रोज, सेलुलोज, हेमिस्फेयर, निम्नलिखित में से कोई नहीं।
कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? माइक्रोज, सेलुलोज, हेमिस्फेयर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कपास में सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइकेन जो है किसमें निर्मित होता है? क्या वो कवक में निर्मित होता है, शैवाल में निर्मित होता है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग, लाइकेन किससे निर्मित होता है? लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवक, शैवाल, कवक और शैवाल दोनों से, निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फूल, फल, बीज, निम्नलिखित में से कोई नहीं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फूल, फल, बीज, निम्नलिखित में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो फूल होता है, क्योंकि इसी से फिर आपका फूल से फल बनता है और उसके बाद फिर बीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान देता है, या फिर कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? पर्णहरित, मैग्नीशियम, कॉपर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। जब क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसमें कौन सा एक तत्व होता है जो अपनी अहम भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मैग्नीशियम वो तत्व है जो क्लोरोफिल के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अधिकांश कीट किसके द्वारा जो है वो श्वसन करते हैं? नॉट की श्वसन करते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा, श्वसन करते हैं, ठीक है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? आंसर कीजिएगा आप लोग, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। टाइम ऑफ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, वाताक तंत्र के द्वारा जो है अधिकांश कीट श्वसन किया करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुनैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कुनैन जो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, ये इसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? डेंगू के उपचार में, मलेरिया के उपचार में, एड्स के उपचार में, कैंसर के उपचार में। आंसर कीजिएगा आप लोग, कुनैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डेंगू के उपचार के लिए, मलेरिया के उपचार के लिए, एड्स के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए। ये सिनकोना जो है, ये सिनकोना नामक वृक्ष से पाया जाता है, और कुनैन जो है इसका प्रयोग हम लोग किसके उपचार के लिए करते हैं? तो मलेरिया के उपचार के लिए करते हैं। ये थे आपके 15 क्वेश्चन। अगर लगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो सेशन नंबर आपका होगा सेशन नंबर 18, और इसमें फिर से हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सुबह 10 बजे एवरीडे, संडे को छोड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।